सिविल अस्पताल देहरा के डॉक्टरों को लगता है मरीजों की परवाह नहीं है। ओपीडी का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक है। ओपीडी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अपने सहयोगी डॉक्टर अनिल कुमार की ट्रांसफर होने पर उनकी विदाई पार्टी में इतने मशगूल हो गए कि शाम 3:30 बजे ही मरीजों की लाइनें छोड़ कुर्सी खाली करके चले गए। मरीजों को देखे बिना समय से पहले उठ जाने पर लोगों में काफी रोष है। इलाज के लिए भटकते मरीजों को पूछने पर भी कर्मचारी संबंधित डॉक्टर के बारे में सही जानकारी नहीं देते। गनीमत तो तब हो गई जब उन्हें पत्रकारों के आने की खबर लगी तो सभी डॉक्टर शाम 4 बजे फिर अपनी ड्यूटी पर लौट आए और लाइनों में लगे सभी मरीजों को देखा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टरों ने तो अपनी जिम्मेदारी उठा ली लेकिन मरीजों को अस्पताल बंद होने के कारण दवाई बाहर से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ी। मरीजों में सुषमा देवी ने कहा कि 2 बजे से लाइनों में लगे थे, जब उनका नंबर आया तो डॉक्टर कुर्सी छोड़कर चले गए, इसलिए उनकी आखिरी बस भी निकल गई। अर्जुन सिंह, बिमला देवी, अंजना देवी व प्रदीप कुमार ने बताया कि डॉक्टर समय से पहले ही सीटों से उठ गए। ओपीडी छोड़कर गए डॉक्टरों पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर अनिल कुमार की ट्रांसफर हो गई थी, इसलिए उन्हें विदाई देने के लिए कुछ समय के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद सभी मरीजों को देखकर ही डॉक्टर अपनी छुट्टी करके गए हैं।